हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 497 अडल्ट्री विद द केस लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 497 अडल्ट्री यानी कि जार कर्म, जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, यह विश्वास करने का कारण रखता है उस पुरुष की संपत्ति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जार कर्म के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से किसी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। ये थी हमारी लॉ की लैंग्वेज। मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ, क्या था हमारा 497 में। ओके, तो 1860 में जब इंडियन पेनल कोड IPC बना था, तब उसमें सेक्शन 497 जोड़ा गया था। इस सेक्शन में प्रावधान था कि शादीशुदा महिला की सहमति से उसके पति के अलावा कोई अन्य पुरुष संबंध बनाता है तो इसे व्यभिचार माना जाएगा। ये था हमारा 497 अडल्ट्री। अब इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका एक एग्जांपल समझते हैं और एक इसका केस भी। अच्छा, ये केस है हमारा पिनाकिन मही पात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AI 2014 का ये केस है। इसको समझते हैं हम, यानी कि विवाहेतर मामले। विवाहेतर मामला ऐसा पद है जिसे भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है और सही तौर पर इसका साहस नहीं किया गया है, क्योंकि पद की सही परिभाषा प्रदान करना कठिन है, क्योंकि स्थिति वाद प्रतिवाद परिवर्तित हो सकती है। ये था हमारा पिनाकिन महीपत्रे रावल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात AI 2014 का केस। होप गाइस आपको अडल्ट्री समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।